You are watching This Is Cinema My Darling. Welcome to my channel. '76 की फिल्मों का हम जायज़ा ले चुके उनके पोस्टर्स के हवाले से, और मैं आगे बढ़ रहा था 1977 की जानिब, तो एकदम एक निगाह पड़ी सुरैया भोपाली के इस पोस्टर पे जो अभी आपने देखा था। और सुरैया भोपाली के हवाले से फिर जहन में एक और चीज़ आई कि जब हम पाकिस्तानी सिनेमा का ज़िक्र करते हैं तो कुछ ऐसी फिल्में मिलती हैं हमें कि जहाँ एक ऐसी ज़बान मिलती है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो इलाके हैं उनमें शायद किसी इलाके में वो ज़बान बोली नहीं जाती। ऐसी एक फ़िल्म सुरैया भोपाली भी थी जो 1976 में रिलीज़ हुई। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है भोपाल के हवाले से ताल्लुक़ बनता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस फिल्म के जो हदायतकार हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनका ताल्लुक़ भी भावलपुर से नहीं है। और जो करेक्टर है, जो कहानी ली गई है, वो किसी भी इलाके में हो सकती थी, उसके लिए भोपाल का होना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक फ़िक्शन है, कोई सच्ची कहानी नहीं है। तो फिर ये भोपाल का लफ्ज़ क्यों आया, और इसमें जो ज़बान है, फिर ज़्यादा मैंने इसको देखा तो वो जो ज़बान है वो भोपाल में भी एज सच कहीं बोली नहीं जाती। दिलचस्प हकीकत यही है। और चलें, वो तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ऐसी बहुत सी फिल्में आईं कि जहाँ हम उन इलाकों का नाम ले लेते हैं, जैसे भोपाल है या जैसे लखनऊ का हम जिक्र करते हैं, अमराव जान अदा में वो कल्चर है, वो ज़बान पेश की गई। और भी बहुत सी फिल्में आपको पाकिस्तान में ऐसी नज़र आएंगी। तो आज हम बात करते हैं भोपाल के हवाले से। जब इस फिल्म में भोपाल का ज़िक्र किया गया तो हमने कहा चलें भोपाल को ही लेते हैं। भोपाल जो है ये इंडिया का 16वां बड़ा शहर है, और उसके मध्य प्रदेश के सूबे में ये वाक़िया है। और भोपाल के हवाले से बहुत सी दिलचस्प हकायात हैं, कहानियां हैं कि एक शहर कैसे वजूद में आया। एक तो ये भी है कि किंग एक बादशाह भोजा थे, और भोपाल जो है वो असल में भोजपाल था इसका नाम, और पाल जो है वो डैम को या तालाब को कहा जाता था उस ज़माने में, पुराने हिंदी में। और उन्होंने कोई डैम यहाँ बनाया था, तो ये भोजपाल था जो बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़ कर पर भोपाल की सूरत इख्तियार कर गया। एक और जो कहानी चली आ रही है उसके मुताबिक राजा भोज जो थे वो जुजाम का शिकार हो गए, और जो उस वक्त के तबीब थे, उनके मालिज थे, उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा तालाब बनाएं जिसमें 365 दरियाओं से पानी इकट्ठा किया गया हो, और उस तालाब में आप रोज़ नहाएंगे तो आपका मर्ज जो है उसमें आपका अफाका होगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए एक तालाब बड़ा सारा बनाया गया जहाँ मुख्तलिफ़ दरियाओं का पानी इकट्ठा किया गया, उसको भोजताल कहा गया, यानी भोज की झील का नाम दिया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ ये भोजताल जो है वो भोपाल की शक्ल इख्तियार कर गया। ये तो थी किस्से कहानियों की बात, और अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न भोपाल की जानिब, जिसकी कि वाकई तारीख लिखी गई है और हमारे सामने मौजूद है कि जो आज का जदीद भोपाल शहर है ये दोस्त मोहम्मद ख़ान ने बनाया था, और 1720 में इसको बनाया गया, और इसमें जो मशहूर किला था फ़तेहगढ़ फोर्ट वो बनाया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो किला था, इसकी जो आबादी थी, ये दिफाई नुक्ता लिहाज से बनाया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये शहर की सूरत अख्तियार कर गया जहाँ आज का जदीद भोपाल जो है वो कायम है। और ये दोस्त मोहम्मद ख़ान की ही औलाद थी जो बाद में नवाब ऑफ भोपाल के नाम से मशहूर हुए, और जिन्होंने नस्ल दर नस्ल भोपाल पे अपनी हुक्मरानी कायम की, और इनकी हुक्मरानी की बहुत अच्छी मिसाल दी जा सकती है, और तारीख़ में इनको बहुत अच्छे अंदाज़ में याद किया गया। रियासत भोपाल तारीख में एक और भी अहम मकाम इस हवाले से रखती है कि 1819 से लेके 1926 तक यहाँ चार ख्वातीन हुक्मरानों ने हुकूमत की। ये चार ख्वातीन जो नवाब ऑफ भोपाल का टाइटल रखती थीं, उन्होंने मुसलसल हुकूमत की, और इस सिलसिले में सबसे पहले जो थी वो कुदसिया बेगम थी जो कि पहली खातून हुक्मरान थी, और ये 1819 से लेके 1837 तक नवाब ऑफ भोपाल रहीं। और इसके बाद जो थी वो सिकंदर जहां बेगम थी, सिकंदर बेगम 1844 से 1860 तक यहाँ हुक्मरान रहीं, और उनके बाद
ان کی دختر شاہ جہاں بیگم جو ہیں وہ نواب بھوپال کے ٹائٹل سے بھوپال پر انہوں نے حکمرانی کی. شاہ جہاں بیگم جو ہیں وہ ان کو اگر دیکھیں تو وہ 1901 تک حکمران رہیں, اور 1901 میں شاہ جہاں بیگم کی جو بیٹی تھیں کیخسرو جہاں بیگم وہ بھوپال کی حکمران ہوئیں, اور 1926 تک انہوں نے ریاست بھوپال پر حکمرانی کی. اور ان خواتین کا جو سلسلہ تھا, چار خواتین حکمرانوں کا, یہ 1926 میں اپنے اختتام کو پہنچا, اور یوں ہماری تاریخ کا جو ایک اہم باب ہے وہ رقم ہوا اس حوالے سے, خواتین حکمرانوں کے حوالے سے ریاست بھوپال میں. ریاست بھوپال جہاں اور بہت سی وجہ سے مقبول ہے, وہاں یہاں سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات بھی عالمی سطح پر بہت مقبول ہوئیں. تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کرتا چلوں آپ کے سامنے. ایک تو بھارت کے ان 9ویں جو صدر تھے, شنکر دیال شرما, ان کا تعلق بھی بھوپال سے تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے ماہر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین رہے شہریار خان, وہ بھی ریاست بھاولپور سے نہ صرف تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہ ان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. منصور علی خان پٹودی جو کہ بھارت کرکٹ کے نامور سٹار ہیں, کپتان رہے, اور بھارت کے اس وقت جو مشہور اداکار ہیں سیف علی خان, وہ ان کے والد بھی ہیں, ان کا تعلق بھی بھوپال سے ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان, ہم میں سے سب اس نام سے واقف ہیں, نہایت قابل احترام شخصیت پاکستان کی, محسن پاکستان ان کو کہا جاتا ہے, ان کا تعلق بھی ریاست بھوپال سے ہے. جاوید اختر, نامور ادیب اور شاعر بھارت کے, ان کا تعلق بھی بھوپال سے ہی ہے, اور پاکستانی فلموں کے نامور ادیب اور فلم ساز ہدایت کار علی سفیان آفاقی کا تعلق بھی ریاست بھوپال سے ہی ہے. تو یہ تھا فلم سریا بھوپالی کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف ریاست بھوپال کا, کہ اور بات ہو رہی تھی ان فلموں کی پاکستان میں جو ایسی فلمیں بنائی گئیں جن کا در حقیقت ان علاقوں سے اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن نہ جانے ہمارے فلم سازوں نے یا ہمارے جو فلم ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کہانیاں کیوں بنائیں. شاید اس لیے کہ وہ سامعین کو ایسے ناموں سے متاثر کر کے سینما تک لانا چاہتے تھے یا کوئی اور وجہ ہو. بہرحال ایسی بہت سی فلمیں پاکستانی بنیں جن میں جو زبان بولی گئی, جو لباس دکھائے گئے, ان کا پاکستانی ریاست سے یا پاکستانی معاشرت سے, ثقافت سے کوئی تعلق بظاہر دکھائی نہیں دیتا.